नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन। गार्डनिंग इज माय पैशन में आपका सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे के सामने मैं खड़ा हूं, इसका नाम है गुड़हल, जिसको कहते हैं चाइना रोज। ये चाइना रोज का पौधा है, ये गुड़हल, हम बंगला में इसको कहते हैं जबा गाछ। तो ये जो पौधा है, इसमें देखिए आज कितने सारे फूल खिले हैं। ये एक डेढ़ महीने पहले जब हमने देखा था इसमें, तो काफ़ी सारे सफ़ेद चिपचिपे कीड़े, जिसको हम मिली बाग कहते हैं, वो पूरा अटैक कर गया था। तो हमने उसमें होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज किया। होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करने के बाद ये बिल्कुल जो कीड़े हैं वो साफ हो गए हैं। अभी एक भी कीड़ा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल साफ पौधा है और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा वह पौधा है, वहाँ पर भी एक हिबिस्कस का पौधा है। ये है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चलिए मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये भी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ये पंचमुखी जवा कहते हैं इसको बंगला में। और ये है आपका गुड़हल का ये पौधा, इसमें भी पूरा सफेद चिपचिपा कीड़ा लगा हुआ था। हमने इसको भी ट्रीटमेंट किया है करीब डेढ़ महीने पहले और बिल्कुल सफा ये पौधे एकदम बिल्कुल ताजे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। और एक पौधा मैं दिखाता हूँ, ये और एक वैरायटी है और इसके फूल में आप देख रहे हैं कितने ताजे, कितने अच्छे फूल हैं, एकदम बिल्कुल सही फूल है। इसमें कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं है यहाँ पर और बिल्कुल ये अच्छा है। और मैं एक पौधा और दिखाता हूँ आपको। ये भी है पौधा, ये है पुणे वैरायटी का, पुणे वैरायटी का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये है पौधा, क्लोजअप ले लीजिए, ये भी फूल है हमारा बहुत अच्छा। तो इसमें भी कीड़े लग गए, तो हमने ट्रीटमेंट किया है और ये काफी अच्छा है अभी, और ये बिल्कुल सही है फूल। तो ये पौधा बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उधर दिखाता हूँ आपको, उधर आप देखिए उसका नाम है स्थल कमल। मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ स्थल कमल, जो हिबिस्कस म्यूटाबिलिस नाम है जिसका, स्थल कमल, उसमें अभी भी सफेद सफेद कीड़े लगे हुए हैं, चिपचिपे कीड़े, जिसका नाम है मिलीबग। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ आपको उसका पौधे को, पहले दिखाता हूँ और कौन से कीड़े लगाए वहाँ पर दिखाता हूँ मैं, फिर मैं दिखाता हूँ इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे आप होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाएंगे और कैसे इसका अप्लाई करेंगे। चलिए है, इसका नाम है स्थल कमल, इसको हम हिबिस्कस ग्रुप का पौधा है, इसका नाम है हिबिस्कस म्यूटाबिलिस। और जो गुड़हल मैंने आपको दिखाया उसका नाम था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और यह है हिबिस्कस म्यूटाबिलिस। इसको हम बंगला में कहते हैं स्थल पौधो, हिंदी में कहते हैं स्थल कमल। ये फूल भी काफी अच्छा होता है, गर्मी में खिलते हैं। लेकिन ये जिसके लिए मैंने वीडियो कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है इसमें, देखिए ये जो मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं, इसमें कीड़े लग गए हैं पूरे, ये सफेद रंग के कीड़े लग गए हैं, जिसको हम कहते हैं मिलीबग। मिलीबग के कीड़े इसके पूरे टहनियों में लग गए हैं। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखिए आपको ये जो मिलीबग है, ये गुड़हल में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये मिलीबग जो है गुड़हल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये पूरे पौधे को खराब करते हैं। देखिए ये एक टहनी में, और आप दिखाता हूँ, ये दिखाइए आपको, ये जैसे के जैसे मिलीबग कैसे इसको गुड़हल को, पौधे को खराब कर रहे हैं बिल्कुल। और ये पौधा में इंसेक्ट में बता दूं, बहुत जिद्दी इंसेक्ट है, इसको आप जितनी बार ट्रीट करेंगे उतनी बार ये फिर से वापस आ जाते हैं और पूरे पौधे को खराब करते हैं। तो आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये गुड़हल में ये जो मिलीबग व्हाइट जो इंसेक्ट्स होते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है, वो है ऑर्गेनिक होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। वो मैं आपको दिखाता हूँ ये होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कैसे बनाएं और गुड़हल के ये जो सफेद वाले कीड़े हैं मिलीबग, इसको कैसे कंट्रोल करें। चलिए मैं उसको बनाना दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको एक लीटर पानी लेना है, एक लीटर आप ये पानी लें और उसमें आपको तीन चीज मिलानी है। एक तो पहले आप मिलाएं अल्कोहल, ये अल्कोहल जो है आप मिलाएंगे, चार ढक्कन इसमें अल्कोहल मिलाएं, चार ढक्कन इसमें अल्कोहल मिला लें। फिर मैं आपको बताता हूँ अल्कोहल क्या होता है। ये जो मिलीबग इंसेक्ट्स होते हैं, मिलीबग इंसेक्ट्स के बाहर बॉडी में एक वॉक्सी लेयर होता है, एक मोम का लेयर होता है, जो कि इसमें जो साबुन है या और कोई केमिकल उसमें प्रवेश करने मना करता है। तो ये जो अल्कोहल है उसका वॉक्स लेयर को खत्म कर देगा, उसका वॉक्स लेयर को मिटा देगा ये अल्कोहल। और उसके साथ आप मिलाएंगे जो आपके लिक्विड सोप हैं या डिशवॉश जो लिक्विड सोप हैं, उसको भी आप मिला सकते हैं। इसको आप मिला दें दो ढक्कन इसमें आप मिला दें लिक्विड सोप, जो आपके हैंड वॉश सोप हो सकते हैं या फिर आपका जो डिश वॉश सोप है उसको आप मिला दें। ये सोप आपको ये कीड़े को मारेंगे, ये सोप का जो लिक्विड है आपको मिलाएंगे और इसको आप मिला दें दो ढक्कन तीन ढक्कन आप सोप मिला दें, लिक्विड सोप।
मिला दिया। अब इसमें आप मिलाएंगे थोड़ा सा नीम ऑयल, एक ढक्कन आप इसमें या दो ढक्कन नीम ऑयल मिला दें। नीम ऑयल क्या करेगा आपको, इसमें नीम ऑयल से क्या होगा आपका, ये जो ये है नीम ऑयल, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, क्लोजअप लीजिए, ये है नीम ऑयल, नीम ऑयल, नीम ऑयल में एक ढक्कन मिला देता हूँ। ये इंसेक्ट रिपेलेंट में काम करते हैं, इंसेक्ट्स एक बार लग जाएंगे, एक बार भाग जाएंगे, तो उसके बाद इस नीम ऑयल की वजह से, उसके गंध की वजह से वो और वापस नहीं आएंगे। तो फिर मैं ये क्या करता हूँ, इसको मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेता हूँ, इसको अच्छी तरह से इसको मिला लिया। तो ये आप मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये दूध जैसा आपका एक लिक्विड बन गया, दूध जैसा, ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मिलीबग के लिए। आपके गुरहल के पौधे में जो मिलीबग लगते हैं, सफ़ेद रंग के जो कीड़े लगते हैं, जो कुसन की तरह के लगते हैं, जैसे लगता है जी कोई रुई लगी हुई है, रुई के पौधे, उस तरह की ये मिला लिया। इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया हूँ, इसमें चार ढक्कन अल्कोहल दिया हूँ, दो ढक्कन में इसमें ये नीम ऑयल, दो ढक्कन में इसको लिक्विड सोप दिया हूँ, दो ढक्कन लिक्विड सोप है और एक ढक्कन इसमें नीम ऑयल है। ये तीनों चीज़ मिला के ये लिक्विड में बना लिया हूँ ये, और इसको अच्छी तरह से सेक कर लिया हूँ। अच्छी तरह से सेक कर लीजिए, दो मिनट तक, तीन मिनट तक अच्छी तरह से सेक हो जाए तो ये नीम ऑयल जो है, ये साबुन है और ये जो अल्कोहल है, सारे मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको एक स्प्रेयर में, ये बन गया आपका लिक्विड। अब आप इसको एक स्प्रेयर में डाल दें, स्प्रेयर में डाल लें। ये बन गया आपका पूरा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड गुड़हल के पौधे के लिए, और इसको हम डाल के स्प्रेयर में डाल लेते हैं और इसमें फिर प्रेशर भर लेते हैं। और फिर आप इसको स्प्रे कर लें, चलिए अब मैं इसको स्प्रे करके दिखाता हूँ। आइए पहले मैं ये नज़दीक से दिखाता हूँ, ये क्लोज अप में लीजिए, स्प्रे कर दिया इसको पूरे पौधे पत्ते को, पौधे को जितना चाहिए आप स्प्रे कर लें इसको। जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है आपका, ये पूरा इसको स्प्रे कर लें। ये अल्कोहल क्या करेगा, इसके इंसेक्ट्स के बाहर जो वॉक्सी लेयर है, मोम का जो लेयर है, उसको ख़त्म कर देगा, और जो साबुन है, साबुन कीड़े को मार देगा, और नीम जो है, नीम आपको फिर उसमें कीड़े लगने से बंद कर देगा। तो इसमें आप क्या क्या डालें, तीन सामान है इसमें, एक तो है अल्कोहल और एक है आपके साथ लिक्विड सोप, जो आपकी जो डिश वॉश जो होती है वो सोप भी आप यूज कर सकते हैं, डिश वॉश की सोप, लिक्विड सोप, और एक है आपका उसमें नीम ऑयल। तो नीम ऑयल भी आप उसमें डाल लें तो आपका बहुत अच्छा ये पौधा में ये करेंगे। और ऐसे हम आपको स्प्रे कर देते हैं पूरा सब पौधे में, और इसको परसों आके फिर हम देखेंगे जहाँ जहाँ है। तो दोस्तों हम ये जो पौधा है, यह है हिबिस्कस म्यूटाबिलिस, इसका मतलब हुआ म्यूटाबिलिस मतलब जिसका कलर बदलता है। ये फूल है स्थल कमल, जिसको हम बंगला में स्थल पौधे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसका इंग्लिश का फ्लावर का नाम कॉन्फिडरेट रोज, कॉटन रोज मेलो भी कहते हैं, इस पौधे का नाम है कॉटन रोज मेलो या कॉन्फिडरेट रोज। इसका हम फूल दिखाते हैं, जरा ऊपर से फोकस करके दिखाइए, ऊपर में दो तीन कलियाँ बनी हुई है, फूल बने हुए हैं। तो ये फूल देखिए आप, ये सुबह जब होते हैं तो ये सफ़ेद खिलते हैं, और दो अभी दोपहर का टाइम है, अभी गुलाबी है, और जब शाम होगी तो बिल्कुल ये लाल हो जाएगा। ये जो फ्लावर है ये लाल, शाम जब हो जाएगी तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। सुबह जब खिला था तो सफ़ेद था, अभी दोपहर है, अभी ये गुलाबी है, और शाम को ये बिल्कुल लाल हो जाएगा। और अब मैं आपको ये पौधे दिखाता हूँ, जो कल हमने ट्रीटमेंट किया था तो ये काफ़ी साफ़ हो गए हैं, करीब करीब ये पौधे की टहनी में दिखाता हूँ, बिल्कुल ये साफ़ हो गए हैं।
आज मैं आया हूँ, परसों मतलब दो दिन पहले मैंने ट्रीट किया था। ये पौधे देखिए बिल्कुल साफ हो गए हैं। मैं और एक दो मैं दिखाता हूँ, इसमें थोड़े थोड़े दो एक जगह है थोड़े से, लेकिन ज्यादातर पौधे बिल्कुल साफ हो गए हैं, इसमें एक भी कीड़ा नहीं है। हालांकि दो एक कोड़ा है, तो हम क्या करते हैं आज थोड़े से और भी बनाते हैं इसको केमिकल को, आज जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं फिर उसका अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बंद करो, बनाते हैं ये ऑर्गेनिक जो थोड़ा सा अभी ये बाकी है, अभी थोड़ा से एक दो जगह रह गए हैं थोड़े से, तो हम इसको यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पर जो बाकी है इसको हम आज फिर स्प्रे कर देते हैं। आज फिर इसको हम स्प्रे कर देते हैं। आज फिर हम इसको स्प्रे कर देते हैं और एक जगह ये थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसको हम कर देते हैं। इसके भी अब साफ कर देते हैं, जो थोड़ा सा बाकी रह गया है इसको हम आज कर देते हैं सफाई। तो ये जो बाकी रह गया है इसको हम आज कर देते हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा दिन का स्प्रे, मतलब परसों हमने किया था आज फिर कर दिया है। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपके जो मिलीबग हैं, जो चिपचिपे कीड़े हैं, आपको ये लगेंगे नहीं। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आपको देने वाला हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।